दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं, एक के पॉप आइडल को कितनी ज़्यादा रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। इसके साथ ही उन्हें हर वक्त अपने फिटनेस को लेकर काफ़ी ज़्यादा ध्यान भी देना पड़ता है और उन्हें एक्सरसाइज और डाइट भी हमेशा ही करनी पड़ती है ताकि वो फिट रहें। और सारे ही के पॉप आर्टिस्ट अपने फिटनेस को लेकर बहुत ही ज़्यादा अवेयर रहते हैं और उनके मैनेजर भी उनके फिटनेस को लेकर बहुत ही ज़्यादा ध्यान देते हैं। इसके साथ ही दोस्तों, हमारे सारे ही BTS मेंबर बहुत ही ज़्यादा फिट दिखाई देते हैं और अपने डाइट को भी काफ़ी अच्छी तरीके से फॉलो करते हैं। पर दोस्तों, हमारे सारे ही BTS मेंबर्स के लिए डाइटिंग करना इतना भी ज़्यादा आसान नहीं है और इसका कारण है हमारे प्यारे BTS मेंबर वी। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं, BTS मेंबर वी कितने ज़्यादा शरारती हैं और इस वजह से जब भी कोई मेंबर डाइट पे होता है तो वो उन्हें फूड ऑफर करते हैं या फिर उन्हें दिखा दिखा कर खाना खाते हैं और उन्हें बहुत ही ज्यादा चिढ़ाते हैं और परेशान किया करते हैं। इसके साथ ही दोस्तों, एक बार BTS मेंबर RM, जिमिन और जिन वी लाइव पे लाइव आए हुए थे, उसी दौरान RM डाइट पे थे और उन सभी में डाइट को लेकर बातें हो रही थी। उसी दौरान जिमिन ने वी के बारे में बातें रिवील करी कि वी किस तरह सभी मेंबर्स को परेशान किया करते हैं जब वो सब डाइट पे होते हैं। जिमिन ने बताया कि वी खाने को लेकर सभी को बहुत ही ज्यादा चिढ़ाया करते हैं और जिमिन ने एक इंसिडेंट को सभी के साथ शेयर भी करा। जिमिन ने बताया कि एक बार वो डाइट पे थे और जिमिन, जिन और वी एक साथ वॉक कर रहे थे। जिमिन और जिन एक साथ थे और वी उनके पीछे थे। उसी दौरान जिमिन जिन को कहते हैं कि उन्हें चॉकलेट ब्रेड खाने का बहुत ही ज्यादा मन हो रहा है और जैसे ही वी ने इस बात को सुना, वो भाग कर जाते हैं और चॉकलेट ब्रेड के साथ वापस आते हैं। इसके साथ ही वो जिमिन को दिखा दिखा कर वहीं पे खाने लगते हैं। तो दोस्तों, जब मेंबर्स डाइट पे होते हैं तो वी कुछ इस तरह से उन्हें चिढ़ाया करते हैं। वो उनके फेवरेट फूड को उनके सामने दिखा दिखा कर खाया करते हैं। इसके साथ ही जिमिन ने बताया कि एक दिन जंगकुक ने कहा कि वो डाइट पे है और जैसे ही वी ने इस बात को सुना, वो जंगकुक की तरफ स्पून करते हैं जिसमें की मीट होती है और वो जंगकुक को कहते हैं कि उन्हें खिलाएं। तो दोस्तों, वी काफी सारे फनी तरीके से मेंबर्स को परेशान किया करते हैं। इसके साथ ही जिन इस बात को सुनकर RM को चिढ़ाने के लिए वी की एक्टिंग करते हैं और RM को उन्हें खिलाने को कहते हैं। ठीक वैसे ही जैसे वी ने जंगकुक की तरफ स्पून को किया था, जिन भी RM की तरफ स्पून को करते हैं और उन्हें खिलाने को बोलते हैं और RM जिन को बड़े ही फनी तरीके से खिलाते हैं, क्योंकि RM खुद ही डाइट की वजह से फ्रस्ट्रेटेड थे और जिन उन्हें और परेशान कर रहे थे। तो दोस्तों, BTS मेंबर के लिए डाइट करना उतना भी आसान नहीं है हमारे प्यारे वी के वजह से। तो आपको वी की ये हैबिट कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूरी बताइएगा। बाकी ये थी आज की वीडियो। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जल्दी से हमारे K-pop खबर फैमिली का हिस्सा बन जाएं। इसके साथ ही आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लें जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो पे।